आप जानते हैं कबूतर और बिल्ली, कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो क्या होता है? कबूतर आंखें बंद कर लेता है और बिल्ली मार देती है। अब कबूतर डर गया, भयभीत हुआ, उसके पास पंख है, पंख से वो उड़ सकता है, बिल्ली तो नहीं उड़ सकती। लेकिन प्रेशर के कारण, भय के कारण उड़ नहीं पाता और बिल्ली उसको ले लेती है। हम बच्चों के साथ भी ये होता है, सब प्रकार की बातें, ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स हम सबके पास होती, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन जब कोई बात सामने आती है उसके वशीभूत हो जाते हैं। और वशीभूत होने के कारण उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके पंजे में आ जाते हैं। इसलिए गौर करेंगे, जो बाबा ने हमें दो मात्राएं सिखाई हैं, एक फुल स्टॉप और दूसरा बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क। इजी है फुल स्टॉप, और जब क्वेश्चन मार्क आता है वो टेढ़ा बांका होता है। विघ्न पांच द्वारों से आते हैं, विघ्न आने के पांच द्वार हैं। कौन से कौन से? मैंने हिंट दिया है आपको, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये पांच द्वार हैं जो आते सार आपकी मनसा पर अटैक करते हैं। आपको कमजोर बनाते हैं, कल मैं क्लास करा रही थी टीचर्स का, उसमें ये बात उभर करके आई कि किसी को भी अगर आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी मनसा को कमजोर कर देते हैं, उसकी मानसिक शक्ति पर प्रहार करते हैं। शरीर पर प्रहार बाद में होता है, पहले मानसिक शक्ति समाप्त कर देते हैं। अंग्रेजों ने जो हम पर राज्य किया तो इसी कारण से तो किया, हमको हीन बनाया, अपनी नजरों में गिराया, तब हमको वो जीत सके। और उधर आप राजपूतों का मिसाल देखिए, राजपूत जब याद करता, रे मैं राजपूत, मैं क्या नहीं कर सकता, तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से संपन्न कर लेता है। विघ्न आता तब है जब ये क्वेश्चन मार्क के द्वार खुले हैं, और दूसरा जब हम अपने साथी को भूल जाते हैं। बाबा मेरा साथी है,
और बाबा स्पष्ट कहते हैं, बच्चे क्या जरूरत है जो तुम मेहनत करो, तुम सिर्फ मेरे गोद के झूले में आ जाओ, मैं तुमको उड़ा लूंगा। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.